यह आदिवासी बाहुल्य जिला झाबुआ है। जब यहाँ एक शिक्षक को न्याय की गुहार लगाते लगाते 9 वर्ष बीत गए तो अशिक्षित वर्ग का क्या होगा, उसे न्याय कैसे मिलेगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड शिक्षक जयंत दास बैराकी की, जो 9 वर्षों से अपने मकान के प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए भटक रहे हैं, अनशन पर भी बैठे, वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। इतना टूटा हुआ हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, यदि मीडिया का साथ न मिला तो गुमनाम बस्ती में खो जाऊंगा। विगत 9 वर्षों से प्लाट रजिस्ट्री के प्रकरण के लिए लगातार मुझे टरकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है और लटकाया जा रहा है। 23 तारीख को जब मैं धरने पर बैठा, जिला प्रशासन ने आनन फानन में फाइल चलाई और 30 जनवरी मुझे तारीख दी। 30 जनवरी को आया तब कलेक्टर महोदय उपस्थित नहीं थी। दूसरी तारीख 6 फरवरी मुझे मिली। 6 फरवरी को जब मैं फिर तारीख पर आया तो कलेक्टर महोदय बोलती कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, आना मुश्किल है। फिर मुझे आज 13 फरवरी की तारीख दी और अभी तक स्थिति ये है कि कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं। दुख इस बात का है कि लगातार प्रशासन मुझे क्यों परेशान कर रहा है और कुछ समय, या तो मुझे ये लगता अब कि शायद मेरी मृत्यु के बाद मेरा काम होगा और अब मन में इतना है कि हार्ट अटैक से अपनी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत मानसिक रूप से अभी दोहरी जिंदगी जी रहा हूँ। और इतना राष्ट्रपति व टीचर, इतनी जन सुनने में शिकायत करने के बाद, CM ऑनलाइन में शिकायत करने के बाद, 10 तारीख को माननीय मोहन जी यादव को मैंने आवेदन देने के बाद, इस तरह का जो कृत्य किया जाता है वह वास्तव में निंदनीय है। और इसके साथ SDM प्रजापत जी ने जो मेरे साथ व्यवहार किया, मेरे जो तंबू हटाए गए, मेरी फाइलें फेंकी गई और मुझे उठाने के लिए जिस ढंग से किया और मेरा मोबाइल छीना, मैं उनसे कह रहा हूँ कि साहब मुझे चक्कर आ जाएंगे पानी पीने के लिए, मेरे भाई को मोबाइल लगाना, इतनी निर्दयता मैंने मेरे जीवन में 73 साल की उम्र में आज तक नहीं देखी। समझ में नहीं आता ये कैसा सुशासन और कैसा गुड गवर्नेंस। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।